चेंज और मैं जा रहे, अब हम लोग जा रहे हैं काम के लिए। वी हैव ऑलरेडी चेंज, यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है, मैंने चेंज तो कर लिया। जो है ना खराब हो गई है, बिकॉज तबीयत बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और इसलिए मैं थोड़ी सी मतलब टायर्ड लग रही हूँ बहुत ज़्यादा। बट काम मेरा हो गया, अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ, तो वहाँ पे जाके आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगी। तो सभी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मास्क पहना हुआ है। बट हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बहुत थक गए हैं। मन था लक्ष्मी मिष्ठान में चाय वाय देने का, बट लेकिन अभी ना होटल जाना है, होटल जाके सब जो करना है होटल में ही, मतलब जो भी है चाय डिनर वगैरह थोड़ा चेंज करके फ्रेश होके रहना। सो गाइस, मैं हो गई हूँ तैयार, हम लोग वापस आ गए। वापस आके फिर मैंने जस्ट ऐसे ही तैयार हो गई हूँ, मैं जस्ट गेटिंग रेडी। और यस, बहुत मज़ा भी आ रहा है बिकॉज़ यहाँ पे जो वॉशरूम है काफ़ी बड़ा है वॉशरूम, और बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ, वॉशरूम काफ़ी बड़ा है वॉशरूम, एंड दिस इज़ माई फेवरेट वैनिटी मिरर, मुझे अच्छा लगता है ये। मैंने पूरा सेट कर दिया है आज ही, और हमें ना यहाँ पे बाथरोब्स भी मिले हैं, सो वी हैव गॉट दीज टू बाथरोब्स, ये भी हम लोग जो है यूज़ करेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड। नीचे जा रहे हैं बुफे करने के लिए, देखते हैं बुफे में क्या मिलेगा, पता नहीं, जाते हैं चलते हैं। एंड पूरा तो बिल्कुल वो हो गया, मतलब टायर्ड हो गया, उसको थोड़ा सा स्पैज़म वगैरह की प्रॉब्लम होती रहती है। तो ये जो आप लोग टॉप देख रहे हैं, ये मैंने सिलोरी से ख़रीदा था, सिलोरी एक ब्रांड है ऑनलाइन में, तो थैंकफुली मेरा साइज़ मुझे मिल गया, यूजुअली मिलता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, चलना नहीं है, टायर्ड हो, टायर्ड लग रहे हो, ललित डिनर करेंगे नीचे रेस्टोरेंट में। बट यहाँ पे ना देखिए जैसे कि बारिश हो गई है, बट लेकिन हम लोग कुछ यहाँ पे प्रोग्राम होता है वो नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द मे बी रेन की वजह से नहीं हो पाएगा, रेन की वजह से नहीं। हाँ दिखा रही है, यहाँ पे बेसिकली वो लोग डांस वगैरह करते हैं शायद, बट आज ना बारिश हो रही है तो ये लोग नहीं करेंगे। और हमने कुछ ऑर्डर किया है ना, वो थोड़ा सा बता देना बाद में, मतलब कि क्या इनका ऑप्शन क्या है बुफे का, बुफे का जो ऑप्शन है वो आधा बहुत ही यमी था। मैंने बटर चिकन खाया था, मतलब बटर चिकन बहुत ही अच्छा है, यमी है, मैंने खाया
खाया, इट्स रियली नाइस। पूरा खा रहे हैं, वेज खाना, दाल मखनी एंड वाइट राइस, दाल मखनी और वाइट राइस खा रहा है पूरा। कैसा है मतलब खाना? अच्छा है ना? बढ़िया। बारिश अब थोड़ी सी रुक गई है, बारिश पहले से बहुत। चिकन टिक्का एंड बटर चिकन थोड़ा सा विद तंदूरी रोटी, और तंदूरी रोटी का जो साइज था इतना छोटा छोटा पतला पतला, मज़ा आ गया वो खा के। सॉरी, तंदूरी रोटी नहीं, तवा रोटी खाया था। एंड तवा रोटी का जो साइज़ था इतना छोटा छोटा, घर की जो रोटी होती ना हमारी तवा रोटी, वो पतली पतली, मैंने दिखाया नहीं आपको, अमेजिंग था, मुझे तो बहुत अच्छा। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, पूरा अपना खाना फिनिश करेगा। इसमें स्वीट डिश भी है, वील हैव सम स्वीट डिश। मेरा तो बहुत पेट भर गया, बिकॉज पता नहीं क्या हुआ, मैंने सूप पी लिया था कल, मैंने सूप पी लिया ना तो मेरा पेट ना बहुत भर गया है। सूप वैसे बहुत पतला था बट भर गया है पेट। अब चिकन टिक्का सूप से मेरा काम हो गया था, एक्चुअली में देखा जाए चिकन टिक्का सूप से मेरा काम हो गया। चलिए हम पूरब को खाने देते हैं, उसके बाद हम लोग स्वीट डिश खाएंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा वॉक करेंगे, तो हम बहुत खा चुके हैं। वॉक करके फिर यहाँ पे एक शॉप भी है ना, यहाँ पे देर से शॉप ना क्या है, पूरब ने क्या लिया, ये है आटे का चूरमा, बीफ चूरमा, आटे का चूरमा, ये है रबड़ी, ये तो रबड़ी है। मैंने एक गुलाब जामुन लिया, और क्योंकि दो स्वीट डिश अलाउड है। वाओ गाइस, मजे मजे। रबड़ी कैसी है? ऑसम है ना गाइस। देखिए हम लोग बाहर आए, बारिश हो रही है, गीला है, इसे जा नहीं रहे, बट ये बहुत सुंदर है। बट ये वाले रोज कितने लगते होंगे? हाँ, कितने अच्छे ऊपर से देख रहे होंगे। और ये उनका पूरा, वो है गाइस। हम लोग आ गए, हम लोग कुछ नहीं, और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मैं कुछ ज़्यादा ही गोलू मोलू सी लगने लग गई हूँ आजकल। वेल, आपको मैं बताती हूँ अपने वेट की जर्नी गाइस, कुछ बातें करते, मैं भी बहुत थक गई हूँ। मैं बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, हम लोग रेस्ट करेंगे। आज का हमारा पूरा दिन कंप्लीट हो चुका है, हम लोगों ने बहुत आज ज़्यादा मस्ती तो नहीं कर पाए, बट एंड ऑफ द डे वॉज सुपर्ब, बिकॉज हम लोग आज पूरा दिन काम था, ट्रैवल था, तो हमेशा फर्स्ट जो डे होता है जब भी हम लोग जयपुर आते हैं, तो हमारा फर्स्ट डे हमेशा ऐसे ही बीतता है, जहाँ पे हम लोग थक हार के एकदम बहुत थक जाते हैं दोनों मिलके। और मैं स्पेशली बिकॉज मेरा काम होता है, सो आप लोगों सबको पता है कि मेरा कुछ बिजनेस का काम होता है यहाँ पे, तो मैं इसलिए आती हूँ स्पेशली। और बहुत मतलब आज तो चाय तक मुझे, मैं जहाँ पे जाती हूँ वहाँ पे चाय वगैरह देते हैं, बट लेकिन आज चाय तक नसीब नहीं हुई मेरे को, इतना बुरा लगा मेरे को, और सिर में इतनी दर्द होती, सिर इतना दुख रहा था मेरा कि चाय वाय कुछ है नहीं, कैसे करेंगे क्या करेंगे। बट अल्टीमेटली फिर बाद में चाय वाय पिया थोड़ा सा, हमें एक्चुअली जाना था मतलब लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, बट वहाँ पे हम जा नहीं पाए बिकॉज हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे, और पूरब को भी वापस आना था, मुझे भी, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, बिकॉज मैं ना अभी एक्चुअली मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है ना, बिकॉज बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ट्रैवल के बाद ना, काम और फिर वापस आके, बट एंड ऑफ द डे अच्छा रहता है। तो अभी हम लोगों ने बहुत खाया, वी हैड अ गुड टाइम, और ये है कि इनका जो बुफे सिस्टम है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो बेसिकली पूरा भी आपको बताएगा, गाइड करेगा, बस मुझे इतना नहीं पता, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि जो इनके दो टाइप के बुफे सिस्टम है, एक है कि आप पूरा फुल बुफे ले सकते हो, जिसमें आप नॉन वेज वेज जो भी लेना चाहो अपने हिसाब से यू कैन टेक इट, बट एक दूसरा बुफे होता है जिसमें आपको एक एक आइटम्स मिलेंगे, जैसे एक सूप मिलेगा, एक स्टार्टर मिलेगा,
वेज नॉन वेज फ़र्क नहीं पड़ता, वो आप कोई भी ले सकते हो। जैसे पूरा वेजिटेरियन है और मैं नॉन वेज हूँ, तो मैंने नॉन वेज वाला लिया था और पूरब ने वेज वाला लिया था। तो पूरब को जैसे पम्पकिन सूप मिला था वेज में, मुझे मानचाओ सूप मिला था, बट द सूप वॉज वेरी लाइट। बट वही है कि सूप और स्टार्टर खा लिया, उसके बाद मेरा पेट बहुत भर गया था। बट लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा रोटी वगैरह खा लिया था। तो मैंने तवा रोटी मंगाई थी बिकॉज आई एम टोटली अवॉइडिंग द मैदा पार्ट। सो मैदा और तंदूरी रोटी एंड ऑल दीज थिंग्स आई एम टोटली अवॉइडिंग बिकॉज ऑफ सम हेल्थ कंसर्न। तो इसलिए मैदा मैंने बंद किया हुआ है, और ये एक रीज़न है मेरे मोटापे का, बिकॉज लास्ट ईयर 2023 में थोड़ा सा मेरी थोड़ा चीज़ें बहुत ऊपर नीचे हो रही थी, जिस वजह से बहुत स्ट्रेस था मुझे, और उस वजह से मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बिकॉज मेरा इतना ज़्यादा वेट नहीं था, मेरा आई वॉज लाइक नॉट लाइक दिस जो मैं अभी मेरा वेट है। अभी सुन के थोड़ा सा आप लोगों को शॉक लगेगा मेरा वेट, बट आई डोंट वांट टू शेयर इट बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लगता। बट येस डेफिनेटली वेट बहुत ज़्यादा था मेरा, और मैंने बड़ा मुश्किल से 3 किलोज घटाए हैं वेट अपने, बिकॉज ऑफ सम थिंग्स। आपको पता है मेरी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और उस वजह से क्या होता है कि जब मैं स्ट्रेस में आती हूँ देन आई जस्ट टेंड टू ओवर ईट। तो 2023 मैंने बहुत, मतलब 2023 में हमारा एक वेडिंग फंक्शन था, उसके बाद से उस टाइम मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं था, आई हैड रिड्यूस माई वेट एंड बहुत अच्छा भी लग रहा था वेट रिड्यूस करके। लेकिन फिर जून जुलाई के बाद मेरा एकदम से वेट बढ़ गया बिकॉज आई वॉज ओवर ईटिंग बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो उस वजह से बहुत खाया मैंने, खूब खाया, और अपने हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से मेरा एकदम से वेट पुट ऑन हो गया, 7-8 किलो बढ़ गया, और उस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स भी हुई मेरे को, लाइक लिटरली जो वेट रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो सब चीज़ें हुई थी। बट देन अगेन आई गॉट बैक एंड आई स्टार्टेड माई डाइट एंड दोबारा से मैंने अपना वेट रिड्यूस किया। तो 3 किलो मैंने घटाए हैं मुश्किल से इस ट्रिप में आने से पहले, बट स्टिल आई थिंक आई नीड टू गो मोर। तो इसलिए अभी ट्रिप का टाइम है, अभी इंजॉयमेंट का टाइम है, तो थोड़ा रहस्य के खा रही हूँ जो भी खाना है। बट हाँ, बटर चिकन में से मैंने सारा करी जो है हटा लिया था, आई वॉज नॉट हैविंग द करी पार्ट बिकॉज मुझे ऐसा में से खाया भी नहीं जाता एक्चुअली इतना सारा। तो वो हमने मंगाया था बिकॉज वो पार्ट ऑफ द डिश था, तो वो मंगाना ही पड़ा, उसको कुछ हम कर नहीं सकते। बाकी स्वीट डिश मैंने बहुत अच्छे हम लोगों ने इन्जॉय किया है। पूरब ने एक स्वीट डिश खाई थी, वो बहुत अच्छी थी, एंड हमने खाया था, मैंने गुलाब जामुन खाया था एक छोटा सा, एंड आई हैड दैट रबड़ी थिंग एंड इट वॉज टू यमी। रबड़ी बहुत ही अच्छा था, बट मिठाई इतना मुझे पसंद नहीं है, आई एम नॉट अ मिठाई पर्सन, दो आई एम बंगाली। आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको मिठाई तो बहुत अच्छी लगनी चाहिए, मेरे पापा को मिठाई, मेरी मम्मी को मिठाई, मेरी फैमिली में सबको मिठाई बहुत पसंद है बिकॉज ऑफकोर्स वी आर बंगालीज। बट लेकिन मैं पर्सनल चॉइस में अगर बात करूँ तो आई एम नॉट अ मिठाई पर्सन। तुमने कुछ मुझे बोला? अच्छा, बाहर कोई चीख रहा है, मुझे लगा तुम चीख रहे हो। तो मुझे एकदम से लगा तुम मुझे बुला रहे रिंकी करके, ऐसे करके। तो रिंकी मतलब मेरे घर का नाम रिंकी है। तो ओके, तो ये चीज़ें हैं गाइस, और बहुत मज़ा आया। अब हम कल मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाऊंगी, वो मेरी बिजनेस मतलब डीलर भी है और फ्रेंड भी है, तो उनसे मिलने जाऊंगी, उनको कुछ चीज़ें देनी है, वापस करेंगे। और जहाँ पे वो रहती है वहाँ पे एक मंदिर भी है, मतलब रहती नहीं है, वहाँ पे उनका शॉप है और वहाँ पे एक मंदिर भी है, एक बार हम दर्शन करेंगे। मैं बहुत टाइम के बाद उस मंदिर में जा रही हूँ बिकॉज इससे पहले जब मैं आई थी, मेरी पता नहीं कोविड के चक्कर में ना मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मैं वो मंदिर की सीढ़ियों तक वो चढ़ रही थी ना, तो मेरे को हाँफ रही थी बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने मतलब मेरे को वो मंदिर जाना है, और हम लोग जाएंगे उस मंदिर को देखेंगे मंदिर में, और उसके बाद थोड़ा फ़ोटो शूट करेंगे यहाँ पे नीचे होटल वगैरह में, बिकॉज़ आज बारिश बहुत अचानक से बारिश हो गई, एंड बहुत मज़ा आया कि बारिश का जो व्यू है वो देखते देखते हम लोग सब डिनर विनर कर रहे थे। तो ये है आज का सीन। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में,
क्योंकि ये वाला जो पार्ट है बहुत लंबा ब्लॉग हो चुका है और आई एम श्योर आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा एक एक चीज़। बट मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आपको कैसा लगा मेरा आज का ये वाला घूमने फिरने का ब्लॉग। और कल हम लोग जा रहे हैं मंदिर में एंड मैं अपनी फ्रेंड से भी आपको अगर उसने मतलब परमिशन दिया तो मैं ज़रूर उससे भी आपको मिलाऊंगी, ठीक है। तो चलिए अब मैं ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। हम लोग बहुत थक गए हैं और ये जो डील है जो बूफे का डील है वो गाइस बेसिकली क्या है कि इसमें ना इनके कुछ शायद 1800 प्लस टैक्सेस कुछ है इनका और हमें जो पड़ा है ये जो हमने आज खाया था वो हमें पर पर्सन 1000 पड़ा है, तो मतलब 2000 में हमारा हो गया। बट वहाँ पर क्या है आपको समथिंग कुछ मिला के एंड डिस्काउंट करके जोमेटो से ये सब मिल के आपको शायद 3400 का पड़ेगा। बट उसमें ना फ़ायदा नहीं बिकॉज हम लोग इतना खाते तो है नहीं, हम एक एक डिश ही खा लेते उसी में हमारा हो जाता है। तो इसलिए हमने बहुत बूफे खाए, हमने इतने बूफे बेले इसलिए हम अभी सिंपल जो एक एक चीज़ें हैं उसी में आ गए हैं। तो ठीक है ये हम अब लोग यहाँ पे मैं बंद कर रही हूँ उस व्लॉग को और मैं मिलती हूँ, हम लोग सोने जा रहे हैं, आपसे मिलती हूँ कल। कल का व्लॉग शेयर करूँगी कि कैसे हम कहाँ गए, क्या किया हमने, क्या खाया, क्या मस्ती करी। कल हम लोग शायद से लक्ष्मी मिष्ठान भंडार में चाय पीने जाएंगे बिकॉज़ वहाँ पे जो चाय है और जो मिठाई वगैरह भी बहुत फेमस है वहाँ की। अगर आप जौहरी बाज़ार में जाते हो तो वहाँ पर एक लक्ष्मी मिष्ठान भंडार है जहाँ पर वहाँ पर मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए हम लोग शायद कल जाएंगे और वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चाय वाय पिएंगे, ऐसे हम लोग कुछ प्लान किया हुआ है। तो ये हम लोग का पूरा सीन है जो हम कल करने वाले हैं और मैं आप लोगों से कल ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं इस ब्लॉग को इधर एंड कर रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।